के स्टेशन में दाखिल होते ही जैसे खान को कोई भूली कहानी याद आ गई हो उसे याद आ गया कि उन्नीस की जंग में पाकिस्तानी पैरा कमांडोज ने इस हवाई अड्डे की ईंट से ईंट बजा दी थी उसने सुना था कि एन उन लम्हात में जब अम्बाला के हवाई अड्डे पर भारतीय फजाइया के पायलट ऑपरेशन रूम से पाकिस्तान पर तबाही नाजिल करने के अहकाम लेकर बाहर निकल रहे थे और अपने तैयारों में बैठ किसी भी लम्हे उड़ने के लिए तैयार थे ये पैरा कमांडोज उन पर खुदा का कहर बनकर नाजिल हो गए हवाई अड्डे पर मुकम्मल ब्लैकआउट था और पाकिस्तानी कमांडोज इन तैयारों पर घात लगाए बैठे थे जैसे ही ये पायलट अपने जहाजों में सवार हुए अचानक इन पर टूट पड़ी दुश्मन के के चंद मिनटों में उसके सामान साथ ही राख का ढेर बन चुके थे लेकिन उसके साथ ही भारतीय आर्मी ने हवाई अड्डे को घेरे में ले लिया था इन कमांडोज में से बमुश्किल दो या तीन जिंदा अपने वतन वापस पहुँच सके और बाकी सब ने वही लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर लिया था एक भी उनमें से जिंदा दुश्मन के हाथ नहीं आया था अम्बाले की तरफ बढ़ते हुए उन शहीदों के लहू की महक आ रही थी और वो सोच रहा था आज जब वो उस हवाई अड्डे की तबाही का सामान करने जा रहा है तो उन शहीदों की रूहें कितनी खुश होंगी उसे बताया गया था कि यहाँ अम्बाला में कम ताकत और कम तर दायरा कार वाला मोबाइल टी पी एस वाई अड्डा नस्ब है जिसमे गो के जी सी आई यानी ग्राउंड कंट्रोल इंटरसेप्शन की सहूलत मौजूद नहीं लेकिन ये अड्डा न जाने कहा गायब हो गया उसे सबसे पहले इसी अड्डे का खोज लगाना था जहाँ रडार नस्ब करके दुश्मन अम्बाला एयरबेस को पाक फजाया के हमले से महफूज करना चाहता था ये रेडार स्टेशन था और अपनी पोजीशन आए दिन तब्दील करते रहने की वजह से अभी तक पाकिस्तान इंटेलिजेंस की नजरों से ओझल था सबसे पहले उसने एक दरमियाने दर्जे के होटल में नाश्ता किया फिर एक सराय की राह ली बाजार ऐसी गुजरते हुए उसने एक दरम्याने दर्जे का रेडीमेड कपड़ों का जोड़ा खरीद लिया था परोहित के रजिस्टर आरोप कुछ लिखने ऐसी पहले उसने दस रूपए का एक नोट उसकी मुठ्ठी में थमा उसे सिर्फ अपना नाम बताया था विजय ठाकुर परोहित ने दस रूपए का नोट जेब में डालते हुए कहा बस काफी है महाराज तीन नंबर कमरा है ये लें चाबी उसने अपने सामने रखे एक लकड़ी के बक्स में से एक चाबी जो रस्सी से बंधी थी उसके हवाले कर दी धन्यवाद पंडित जी महाराज उसने शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे में आ गया कमरे को अंदर से कुंडी लगा कर वो घोड़े बेच कर सोया और सुपहर को ही उसकी आँख खुली खान ने जब रिफ केस से कपड़ों का जोड़ा निकाल नए कमीज पाजामे आरोप कोट पहना तो वो दरम्याने दर्जे का हिंदू नौजवान नजर आ रहा था अपने कमरे को ताला लगाकर वो बाहर बाजार में आ गया अभी तक उसे कोई काबिल अमल तरीका नहीं सूझ रहा था यूं ही टहलता हुआ वो एक बस स्टैंड तक आ गया रोड ट्रांसपोर्ट की एक बस उसकी तरफ आ रही थी और अचानक ही उसकी नजरें इंडियन एयर फोर्स के एक कारपोरल पर पड़ी जो करीबन भागता हुआ उसी बस की तरफ बढ़ रहा था फौरन ही खान ने एक प्लान सोचा उसी किसी अंदाज में बस की तरफ ऐसे भागा जैसे उसने भी उस बस में जाना हो कॉर्पोरल और उसका टकराव बस से कुछ फासले पर बिल्कुल अचानक हुआ वो तो के तहत कॉर्पोरल से टकराया था जबकि मुखालिफ का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था वो गिरा और कलाबाजी खाकर उठ खड़ा हुआ कुछ इसी अंजाम से खान भी दो चार हुआ था लेकिन वो उठा कॉर्पोरल के बाद था क्षमा करना महाराज जी उसने कॉर्पोरल के कुछ कहने से पहले ही उसके सामने हाथ बांध दिए कॉर्पोरल कोई शरीफ आदमी दिखाई दे रहा था बोला कोई बात नहीं जल्दी में ऐसा हो ही जाता है इस दौरान बस निकल चुकी थी और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए हवनकों की तरह मुस्कुरा रहे थे खान ने इजहारे अफसोस किया बहुत अफसोस हुआ आपकी बस निकल गई कारपुरल बोला आपने भी तो शायद उसी बस में जाना था खान ने कहा अजी हमारा क्या है महाराज कारोबारी आदमी है देर सवेर हो जाए तो कोई बात नहीं आप तो फौजी आदमी है वक्त के पाबंद कॉर्पोरल ने कहा हां भाई लेकिन अब तो मैं छुट्टी करके घर जा रहा था खान ने कहा ओ तब तो आइए एक कप चाय हो जाए बस तो जरा देर से आएगी कॉर्पोरल पहले तो नाना करता रहा फिर मान गया खान ने चलते चलते कहा विजय ठाकुर नाम है मेरा कॉर्पोरल ने अब उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी अजय साहनी कहते हैं मुझे दोनों एक दरमियाने दर्जे के होटल में बने कैबिन में आकर बैठ गए खान ने उसके लिए खासी पुरतकल्लुफ चाय का ऑर्डर दिया था हम तो महाराज यारों के जा यार रहे हैं बस मोहब्बत के भूखे है अपना कोई आगे पीछे खाने वाला तो है नहीं जो कमाया वही यारों पर लुटा दिया खान ने गुलाब जामन जबरदस्ती उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा चार दिन में रहकर आया हूँ फौज में अपनी तो भाई जान जाती है पाबंदी से फिर इतनी सी तनख्वाह में बात ही क्या बनती है अब ये देख लो छोटी सी होजरी है मेरी और भगवान की कृपा से हजारों की आमदन है इतना कहते हुए उसने जेब से सौ सौ के नोटों की एक गड्डी निकाली और एक नोट अजय साहनी को दिखाकर अलग कर लिया बाकी गड्डी दोबारा जेब में रख कर उसने बैरे को अपने पास बुलाया कौन सा सिगरेट मंगवाऊ आपके लिए कॉर्पोरल ने इनके से कहा कोई भी मंगवा ले खान ने कहा ओ महाशय जी अपना बिल भी काट लें और एक डिब्बी गोल्ड फ्लेक की लेते आना उसने एक महंगे से सिगरेट का नाम लिया कॉर्पोरल की आंखें तो खुली की खुली रह गईं। ऐसा यार वाकई उसे सारी दुनिया ढूंढने से न मिलता उसने होटल के बाहर आते ही खान से पूछा कहाँ रहते हैं आप जवाब में खान ने एक जोरदार लेकिन खोखला सा कह लगाया और बोला ये पूछिए मैं कहाँ नहीं रहता अजी सारे भारत में रहता हूँ लेकिन मेरा अपना कोई घर नहीं बस स्टॉप पर पहुँचने तक वो अजय सहानी का दिल मुठी में ले चुका था वो शायद इतनी ज्यादा मेहनत उस पर न करता लेकिन उसके बाजू पर कंधे के नजदीक लगे उस खास निशान ने जो उसके ट्रेड की अकासी कर रहा था खान के लिए उसमें अजय को यही बताया था यहाँ कारोबारी हाल का जायजा लेने ही आया है। इस और शराब खाने के बाहर आकर अजय को पकड़ा दी तुम दुनिया के वाहिद आदमी हो जिसने मेरे दुख को महसूस किया ये अपने भाई की तरफ से तोहफा समझना अगर मेरा कोई भाई होता तो उसका नाम भी यकीनन अजय ही होता मेरा विजय जो है कॉर्पोरल अजय हनी बेख्तियार उससे बगलगिर हो गया मुझे अपना भाई ही समझो और चलो मेरे साथ गाँव लानत भेजो सराय पर वहीं चल कर रहते हैं सुबह मुझे वापस आना है मेरे साथ आ जाना खान पहले तो नाना करता रहा बिलाखिर उसे अपने मुँह बोले और ताजा तरीन भाई अजय साहनी की हाँ में हाँ मिलाना पड़ी और थोड़ी देर बाद वो वाकई सराय पर लानत भेज कर उसके साथ बस में बैठा गाँव जा रहा था बस में सवार होने से पहले उसने ताजा फलों के दो टोकरे भर लिए थे अजय तो उस पर मर मिटा जा रहा था रम की खुशबू ही उसे पागल कर देने के लिए काफी थी शहर से बीस मील दूर उसका घर था अजय साहनी ने अपने माता पिता और पत्नी से बड़े फखर से अपने नए भाई का परिचय यानी तारुफ करवाया वो लोग उसके हाथों में पकड़े फलों के टोकरे देख कर बड़े मुतािर हुए रात को विजय ठाकुर ने तो खाना खा लिया लेकिन अजय साहनी ने न खाया वो तो ठाकुर को भी इशारे के नाय से मना करता रहा लेकिन ठाकुर को जिंदगी में बहुत देर बाद इस तरह घर में लोगों के साथ बैठ खाना खाने का मौका मिला था और वो इस सुनहरी मौके को जाया नहीं करना चाहता था शाम ढलते ही दोनों मकान की दूसरी मंदिर दिल पर बने कमरे में चले गए खान ने कहा बुरा मत मानना भैया जी मैं तो समझ गया था लेकिन मजबूरी है मैं अभी कम से कम छह माह तक शराब पीना तो क्या सूंख भी नहीं सकता अजय ने इस हारे अफसोस किया क्यूँ जवाब में अपनी जिस बीमारी का नाम विजय ठाकुर ने लिया उसकी जरा सी समझ भी अजय साहनी को न आई थी लेकिन उस पर बीमारी का रोब जरूर पड़ गया था शराब का उसके लिए विजय ठाकुर ने ही तैयार किया और फिर तैयार करता चला गया भाई साहब फौज में गुजारे तो चार दिन है लेकिन वो जिंदगी बहुत याद आती है हा एक ऐसी शानदार जिंदगी थी बाय द वे आप वहाँ क्या काम करते हैं खान ने कॉर्पोरल को नशे में आते देख कर अपना काम शुरू कर दिया कॉर्पोरल अजय साहनी जिसका पहला पैग खत्म होने से पहले दूसरा उसके लिए उसका मुंह बोला भाई तैयार करके रख देता तरंग में आकर शुरू हुआ और उसने अपना सारा कच्चा चट्टा उसके सामने खोल कर रख दिया दरमियान में कई बातें कंद मुक्र के तौर पर भी विजय ठाकुर उससे पूछता जाता था और आध घंटे बाद ही वो उससे रिडार के मुतालिक बहुत सी बातें उगलवा चुका था लेकिन बड़े नामहसूस तरीके से बिल्कुल यूं जैसे उसने अजय साहनी की बात सुनकर भी उस पर एहसान किया हो इससे पहले कि तैयार तो रहा, रहा उसने इस दरमियान अपने जहन में की तरफ से हासिल करदा तमाम मालूम नक्श कर ली थी उसे इन मकाम के चप्पे चप्पे का इल्म हो चुका था जहाँ ये मोबाइल रेडार मौजूद रहता था और अब दूसरा मरहला शुरू होने वाला था अपनी आंखों से इस मोबाइल स्टेशन को देख कर उसकी जुसियात हिफ्स करना और फिर उन्हें सफाई करतास पर मुंतकिल करके वहाँ तक पहुँचाना जहाँ उनकी जरूरत बहुत शदीद थी सुबह उठकर सब ने इकट्ठे नाश्ता किया अजय सहनी का सर खासा बोझल था।, था नहाने के बाद वो कदरे काफी देर गए तक वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था की कि अजय सहनी उसे जंगी हवाई जहाज दिखाए और अजय ने रात शराब के नशे में कोई दुषमरतबा कसम खाई थी की वो अपने इस नन्हे भाई को बहर सूरत सब कुछ दिखाएगा उसने शाम को ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी ये तो खान को इल्म हो ही गया था कि उसकी ड्यूटी उसी रिडार पर है जिसकी खान को तलाश थी नाश्ते के बाद काफी देर तक वो आपस में बातें करते रहे दोपहर का खाना अम्बाले में खाएंगे भाई जी उसने अजय साहनी को तजवीज पेश की अजय साहनी तो जैसे इस दावत का ही मुंतजर था बोला क्यूँ नहीं क्यूँ नहीं दोनों सूरज चढ़ने के थोड़ी देर बाद ही शहर की तरफ चल दिए रवानगी से कबल खान ने अजय साहनी की बीवी और अपनी भाभी को सौ रुपए का नोट देना नहीं भूला उसने इस बात पर बड़ी शर्मिंदगी का इजहार किया था कि वो उन लोगों के लिए शहर से कुछ नहीं ला सका अंबाला पहुंचते ही अजय साहनी उसे लेकर एक घटिया से सिनेमा हॉल में दाखिल हो गया टिकट भी अजय ने खुद ही खरीदे थे बाहर किसी अंग्रेजी फिल्म का बोर्ड लटक रहा था खान के लिए ये इतना नहीं थी की जहाँ हर रोज सिनेमाओं में चार से पांच शो रोजाना फिल्म के चला करते हैं फिल्म का आगाज वंदे मातरम ऐसी हुआ खान ये देख हैरान रह गया की सिनेमा हॉल में बैठे तीसरे दर्जे के तमाशाई भी उसके एहतराम में फौरन खड़े हो गए थे इससे पहले भी उसने देखा था कि उन लोगों में भारतीय होने का एहसास बहर हाल मौजूद था तराना खत्म होते ही एक फोहश फिल्म पर्दा स्क्रीन पर चलनी शुरू हो गई और खान को जल्द ही समझ आ गई कि अजय उसे यहाँ क्यों लाया था बेचारा कॉर्पोरल जिसे अपनी मामूली तनख्वाह पर इतना बड़ा कुंबा पालना पड़ता था जिंदगी की तमाम सहूलतों से महरूम था अपनी फ्रस्ट्रेशन को दबाने के लिए सिवाय इस घटिया तफरी के शायद और कुछ उसके पास नहीं था दोपहर तो का खाना उसने अजय साहनी को एक शानदार होटल में खिलाया यहाँ उसने बतौर खास इस बात का ख्याल रखा था की अजय शराब बिल्कुल न मांगे वो नहीं चाहता था की ड्यूटी पर भी वो नशे की हालत में जाए गो के अजय ने दबी दबी जबान से एक दो मरतबा अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था लेकिन खान ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी अजय शायद फिल्में देखने का ज्यादा ही शौकीन था या फिर लंबे अरसे की कसर आज ही निकालने पर तुला हुआ था क्योंकि उसने खाने के खात्मे पर दूसरी फिल्म देखने की ख्वाहिश जाहिर की थी खान भी यही चाहता था कि उसकी ड्यूटी जो शाम सात बजे के बाद शुरू होने वाली थी तब तक उसे किसी न किसी काम में मसरूफ रखे इस दफा उसने फिल्म का इंतजाम खुद ही किया था ये फिल्म फिल्म नई थी थी और खान के लिए चौंका देने वाली थी। फिल्म 1965 की जंग के हवाले ऐसी बनाई गई थी और पाकिस्तान के खिलाफ खूब खूब जहर उगला गया था खान ने देखा फिल्म के दौरान कई मरतबा सिनेमा हॉल में बैठे तमाशाइयों ने जय हिंद और क्रश पाकिस्तान के नारे लगाए ये सर्द जंग का दौर था भारत ने मशरकी पाकिस्तान में अलहदगी के फितने की तो तकसीमे मुल्क के फौरन बाद ही रख दी थी लेकिन अब सूरत हाल ऐसी हो चुकी थी कि भारत सरकार खुलकर इस फितने की पुष्ट पनाही कर रही थी बैनवामी फोरम में भारत नंगा होकर भी खुद को जहरीले प्रोपीगेंडे के बलबूते पर बेगुनाह और मासूम साबित करने पर तुला हुआ था सारा भारत एक जंगी जुनून में मुबतला था हर तरफ पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पाई जाती थी फिल्म देख कर जब वो बाहर निकला तो उसका दिल खासा बोझल हो रहा था उसने दो तीन रोज ही में इस कौम में हजार बुराइयों के बावजूद जो एक चीज देखी थी और जिसे वो उनकी मुश्तर आदत कह सकता था वो थी पाकिस्तान दुश्मनी वो हिंदू जो अनपढ़ थे वो जो पढ़ा लिखा था और वो जो अभी पढ़ रहा था ये सब इस बात पर तुले हुए थे पाकिस्तान को तबाह कर दें। उनके सिनेमा हॉल रेस्तोरों घरों और दफ्तरों के बाहर बड़े बड़े हरूफ में क्रश पाकिस्तान लिखा हुआ था इसके बरस उसके अपने मुल्क में इक्तदार की सियासत का क्या घनावना खेल खेला जा रहा था वो उससे आगे कुछ न सोच सका सिनेमा हॉल ऐसी निकल वो दोनों अजय के दफ्तर की तरफ रवाना हो गए अजय ने उसे कहा था कि वहाँ किसी भी रिश्तेदार को आने की इजाज़त नहीं फिर भी वो अपने भैया को अपने किसी अफसर की मिन्नत समाजत करके सब कुछ दिखा देगा लेकिन उसका भैया अपने प्यारे भाई अजय को किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहता था यार समझते क्यों नहीं इसमें भी देश की कोई भलाई होगी जो उधर किसी को जाने की इजाज़त नहीं बस तुम कल मुझे हवाई अड्डा ही दिखा देना मुझे क्या पता ये रेडार कम क्या बला है अजय सहनी बोला अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी दोनों एक बस में बैठकर कर से कुछ फासले वाक एक गांव के नजदीक उतर गए सर्दियों की वजह से अंधेरा गो के फैल चुका था लेकिन खान को गांव से कुछ फासले पर बने एक ऊंचे टीले पर रेडार का एक एंटीना गुलाई में हरकत करता नजर आ रहा था अजय तो उसे थोड़ी दूर तक ले जाने पर मुसर था लेकिन उसने अपनी जान छुड़ा ली तुम जाओ मैं वापस जाता हूँ कल सराय में मिल लेना अगर मुझे कोई अच्छा ऑर्डर मिल गया तो इतवार को छुट्टी के रोज तुम्हारे घर ही मुलाकात को आऊंगा वक्त रुख्सत दोनों भाई बड़ी गर्मजोशी से ऐसी बगलगीर हुए थे अजय साहनी यहाँ से पैदल ही चल दिया था जबकि विजय ठाकुर ने वापसी का अपना अलहदा रास्ता नापा दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ कर देखते और मुस्कुराते रहे फिर एक दूसरे की नजरों से ओझल हो गए लेकिन नहीं अजय की नजरों से विजय जरूर ओझल हो गया था विजय ने अजय पर नजर रखी थी उसे दूर जाते देख कर खान पेशाब के बहाने सड़क से कुछ फासले पर दरख्तों के सिलसिले में घुस गया फिर उसने बड़ी तेजी से सड़क अबूर की और अब वो उसी रास्ते पर दबे कदमों अजय साहनी का करता जा रहा था जिस रास्ते पर अजय गया था उसकी तमाम

खेतों का सिलसिला अब खत्म हो गया था झाड़िया और सरकंडे शुरू हो गए थे जो इस बात का वाज ऐलान कर रहे थे की जहाँ ऐसी एयरफोर्स का इलाका शुरू हो चुका है अब दोनों ऐसे चौराहे पर पहुंच चुके थे जहाँ से मुख्तलि अतराफ में रास्ते फूट रहे थे अजय लापरवाही से एक रास्ते पर मुड़ गया सामने से कुछ लोग ऊंची आवाज में बातें करते आ रहे थे अभी अंधेरा इतना ज्यादा नहीं फैला था की वो खुद को महफूज तस्वर कर लेता खान वही सरकंडों की आगोश में दुबक कर बैठ गया सामने से आने वाले शायद अजय टकरा गए थे ऊंची आवाजों में एक दूसरे की खैरियत कर रहे थे दो तीन मिनट तक वो बातें करते रहे खान को अंदाजा हो चुका था कि ये लोग छुट्टी करके जाने वाले शिफ्ट के हैं बजने वाले थे और अजय साहनी को चार्ज लेना था इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ गया खान इसी जगह दुबका रहा क्यूँकी बहुत से लोग उस रास्ते पर अब आने जाने लगे थे करीबन आध घंटे बाद सुकून हुआ फिर भी वो एहतियातन वही बैठा रहा कुछ अरसा और सुनगुन लेने के बाद उठ खड़ा हो गया दूर दूर तक फजा में सिवाय अंधेरे के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उन लोगों ने उस रेडार स्टेशन को इतनी खूबसूरती से कैमोफलाज किया हुआ था कि अब तक यहाँ रेडार स्टेशन के कोई असरा दिखाई नहीं दे रहे थे वो बड़ी एहतियात से कदम धरता अंदाजे से एक तरफ चला जा रहा था जब अचानक ही उसका पाँव तारों के एक गुच्छे में उलझ गया एक लम्हे के लिए तूफान तो का सारा वजूद ही साकित होकर रह गया तारों के ये गुच्छे एहतियातन रास्ते में फेंके गए थे ये उसकी खुशकिस्मती थी की इन तारों पर बर्की रॉ अभी नहीं दौड़ाई गई थी वगरना शायद उसे अगला सांस लेना भी नसीब ना होता अभी तो उसकी पतलून का पायचा ही फटा था अगर उसने चमड़े के बूट न पहने होते तो शायद अब तक उसका पाँव भी कट चुका होता कुछ खराशे उसके पाँव पर जरूर आई अपना पाओ खारदार गुच्छे से निकाल कर कुछ देर तो वो चिपका बैठा रहा फिर उठ कर कदम आगे बढ़ाया इस दौरान रास्ते में दो तीन मरतबा तारों के और गुच्छे भी आए लेकिन अब वो मोहतात हो चुका था जल्द ही उस बड़ी बड़ी जंगली घास के दरमियान उसे लकड़ी के पोल भी नजर आने शुरू हो गए थे जिन पर

अजदे की तरह फन फैलाए अजय साहनी नमूदार हुआ था अंधेरा गो के खासा फैल चुका था लेकिन इतना भी नहीं के खान को उसके हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर दिखाई न देता उसके हाथ मशीनी अंदाज में ऊपर उठते चले गए अजय को हैंड्प कहने का तकल्लुफ भी न करना पड़ा अजय फुनकारा चुपचाप जिधर से आए हो उधर ही वापस चलते रहो एक मुस्कुराहट न चाहने के बावजूद खान के होटों पर फैल गई ये अमर उसके लिए बाय से हैरत भी था और किसी हद तक बाय से तस्किन भी कि अजय ने अपनी आवाज बिल्कुल नीचे रखी थी शायद वो इस बात से खौफजादा था कि दूसरा कोई उनकी मौजूदगी वहाँ महसूस न कर ले खानसून होकर घूमा और उस तरफ चलने लगा ऐसी फासला रखा था खान अगर चाहता तो उस फासलेसानी फायदा उठा कर उसे डॉर्ज कर सकता था लेकिन वो अभी इस खेल को खत्म करना नहीं चाहता था मुसलसल भाग दौड़ ने उस पर कदरे झुंझुलाहट भी तारी कर दी थी दोनों बिल्ली की तरह दबे कदमोंहतियात से बैर आवाज पैदा किए एक दूसरे के ताकुब में अब खेतों के, वसी तक पहुंच थे। ये के लिए चलते चलते तो हैं और दूसरी बात यह है कि ये तुम्हारा रिवॉल्वर या तो खाली है या अगर लोड भी है तो तुम गोली नहीं चला पाओगे खान का लहजा खासा पुरम था और अब वो बाकायदा उसकी तरफ मुंह किए खड़ा था कॉर्पोरल अजय सहनी ने खुद को संभालना चाहा लेकिन वो अभी तक अपने लहजे पर काबू ना पा सका था बोला किसी गलत फहमी में मत रहना खान ने कहा मैं कभी किसी गलत फहमी या खुश फहमी का शिकार नहीं रहा कॉर्पोरल अजय मेरी गंदी नाली में रिंगने वाले कीड़े जैसी थी और आज लाखों में खेल रहा हूँ तो इसकी वजह सिर्फ मेरे अंदाजे की दुरुस्ती है फिर तुम ये क्यों भूल गए कि अगर ये कोई जुर्म है तो मेरे साथ तुम भी इसमें बराबर के शरीक हो कॉर्पोरल वाकई बौखला गया था ये तुम कैसे कह सकते हो खान ने कहा बेवकूफ ये बात मत भूलो कि मैंने तुम्हारे साथ मुसल टोटल 24 घंटे गुजारे हैं और तुम्हारा कोई अफसर इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि इस दौरान तुम गलत फहमी में मुबतला रहे हो और मुझे कोई शरीफ नागरिक समझते रहे हो अजय के चेहरे पर बाकायदा हवाइयाँ उड़ने लगी थीं और शायद तुम बेगुना ही मारे जाओ तो दोस्तों ये थी हमारी आज के एपिसोड उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर, कर लीजिए